जिंदगी में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो लाइफ बना लो या लाइफ बर्बाद कर दो, और डिपेंड तुम पे करते हैं। तुम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कि मेरी किस्मत ऐसी थी, या मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, या इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, करना तुमने खुद है। अभी तुम्हारे मम्मी डैडी ने पैसा लगाया तुम पे और तुम इंस्टीट्यूट आने की बजाय छुट्टी मार रहे हो, तो यार इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं। किताबों को ना अपना दोस्त बनाओ, और किताबें इसलिए मत पढ़ो कि तुमने पास होना है। एग्जाम में पास होने के लिए मत पढ़ो, लाइफ में पास होने के लिए पढ़ो। और लाइफ में तुम तब पास हो सकते हो जब तुम इसमें इंटरेस्ट लो। इसको रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो, इसको समझने के लिए पढ़ो। और जब तुम चीज़ों को समझोगे ना, तुम्हारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने की। ये किताबें आज तुम्हें जो टफ लग रही हैं, बोर्ड लग रही हैं, हमसे पूछो, हमें ये लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जब तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हो ना, तो कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। लेकिन लाइफ उसके लिए अच्छी है जिसने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में इसको अपना दोस्त बनाया। ये पढ़ने में तो टफ लगती है, बोरियत भी आती है, लेकिन ये वो चीज़ है जो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सो डेवलप योर नॉलेज, डेवलप योर स्किल्स, एंड बी सीरियस व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। इफ़ यू आर नॉट सीरियस इन योर लाइफ, Nobody is there to help you. तुम कहते हो कि मैं अमीर माँ बाप की औलाद नहीं हूँ, मेरी किस्मत डाउन है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बहुत अमीर अमीर घर में जन्म लिया, जिनके पिताजी का बहुत बढ़िया बिजनेस एम्पायर था, लेकिन वो उसे नहीं संभाल पाए, वो बर्बाद हो गए, क्योंकि उनमें वो नॉलेज नहीं थी, उनमें वो क्षमता नहीं थी, उनमें वो पेशेंस लेवल नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था उस चीज़ का कैसे उपयोग करना। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पिताजी बिजली का बिल नहीं भर सकते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पड़े IAS ऑफिसर बने। तो भाई ब्लेम हम कोई नहीं होते किसी को करने वाले, ब्लेम हम खुद को ही कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। टीचर्स तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, माता पिता तुम्हारे लिए पैसा लगा सकते हैं, करना तुमने खुद ही। और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लाइफ इज़ गुड थैंक्स टू गॉड। उनसे पूछो यार जिनके हाथ नहीं है, जिनके पाँव नहीं है, जिनकी आँख नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको पैसे ही नहीं है पढ़ने के, वो तब भी दूसरों की किताबें मांग मांग के पढ़ते हैं। उनसे पूछो जिनकी छत चोरी है, उनके पास रात को सोने के लिए छत नहीं है, अरे भगवान का शुक्रिया करो यार, तुम्हारे पास माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो जैसे भी कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम अच्छी ड्रेस पहन के कॉलेज आ रहे हो और तब भी तुम उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो, तो यार भगवान तो ये सब देखता है ना। हम लोग जो भी भोगते हैं ना, वो हमारे कर्म हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा भोग भोगेंगे। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही देर में मिलता है लेकिन मिलता जरूर। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने स्कूल में पास होने के लिए, कॉलेज में पास होने के लिए मत पढ़ो यार, लाइफ में पास होने के लिए पढ़ो। और यही नॉलेज है जो तुम्हें धीरे 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 आगे ले जाएगी। आदमी तजुर्बा क्यों लेता है, इसीलिए लेता है तजुर्बा, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और तजुर्बा दे सके। तुम अपना तजुर्बा बांट भी सकते हो लोगों से, क्यों, क्योंकि जब तुम उस चीज़ में समर्थ होगे, जब तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी, तुम्हारे अंदर कैलिबर होगा, तुमने एक्सपीरियंस किया होगा उस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।